तो दोस्तों सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि ये हमारी केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है और केमिस्ट्री में ही हम लोग जो है बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हम लोग की क्लासेज हुई थी वो आपका कहाँ तक हुआ था, एक ओवरव्यू देखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में और हर एक सेट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। वो है आपका आज का कि मोल कंसेप्ट क्या होता है। तो देखिए जैसे कि पहले हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में देखे हुए थे कि हम लोग केमिकल फार्मूला जो होता है वो कैसे लिखते हैं, ठीक ना। तो वो आपका टोटली बेस्ड था आपके वैलेंसी या चार्ज पे बेस्ड था, और हम लोग उसको अच्छी तरह से समझे हुए थे कि यदि आपका पॉली एटॉमिक जैसे कि आपका कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइड हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फाइड हो गया, यदि इसका वैलेंसी आपको मालूम है तो आप बहुत इजीली जो है किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे बात करेंगे हम लोग आज मोल कंसेप्ट का, और ये जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा आपका मोल कंसेप्ट। तो देखिए यहाँ पे जो है मोल कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये थोड़ा सा लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेटक रहता है, लेकिन हम आपको बहुत आज इजी वे में समझाएंगे और आपसे आज के बाद कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं पेपर में। तो देखिए हम लोग अपना चालू करते हैं। यदि जो लोग नए हैं इस चैनल पे तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट हैंड साइड में आपको एक बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। तो आज जो होगा आपका, देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग मॉलिक्यूलर मास जो था हम लोग पीछे क्लास में देख चुके थे कि किस तरह से निकाला जाता है। तो जो मोल होगा आज हम लोग देखेंगे मोल कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पे जो वन मोल जो होता है आपका 6.023, ये आपका 10^23 होता है, ये नीचे आ गया है, ठीक है। तो आप इसको सुधार लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो थ्योरी है उसको हम आपको, जितनी भी आपके ये थ्योरी होगी वो आपका टोटल बेस्ड होगा न्यूमेरिकल पे, ठीक है। इससे जो होते हैं कि न्यूमेरिकल से ही इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो हम इस पूरे थ्योरी को आपको एक एक करके न्यूमेरिकल के थ्रू समझाएंगे और आप जो है इसको इजी वे में समझ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये मोल क्या है। तो देखिए जो मोल होता है आपका, मोल जो होता है बेसिकली ये नंबर होता है, ये नंबर होता है और रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है 6.023, कहीं 22 भी मिलता है आपको, 10^23। ये अब जो दिखता है नंबर, जैसे कि हम बात करते हैं कि आपका एक दर्जन केला की बात करता हूं मैं, तो उसमें क्या होता है कि 12 केले होते हैं एक दर्जन में। इसी तरह हम यदि बात करते हैं कि जैसे कि यदि एक दर्जन बुक की बात करेंगे तो उसमें 12 बुक होगी, ठीक है, समझ रहे हैं। और हम यदि बात करते हैं एक मोल बुक, तो एक मोल बुक बराबर कितना हो जाएगा, यदि हम बात करें वन मोल बुक की बात करते हैं तो वन मोल बुक इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6.023 × 10^23। तो ये क्या है, एक नंबर है, ठीक है। तो हम लोग को समझना ये है कि यदि आपको कहा जा रहा है कि वन मोल है, तो इसका मतलब कि ये जो वन मोल है इसमें कितने आपके एटम होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.023 × 10^23 एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब आपको मैं दूसरा चीज समझा रहा हूं, इतना ये आप याद रखिएगा। एक जो होता है, दो टाइप के मास होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका जो कि एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, इस एटॉमिक मास को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपका AMU, एटॉमिक मास यूनिट होता है ये। और एक AMU इक्वल टू होता है वो आपका 1.67 × 10^24 ग्राम होता है। जैसा कि हम जब आपको एटॉमिक मास बता रहे थे तो हम आपको ये बताए हुए थे, ठीक है, तो ये आपको हम बताए हुए थे। अब देखिए एक चीज और बता रहे हैं कि जो आपका एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो उसका जो मास होता है, ठीक है, तो एक जो निकाला जाता है वो आपका, जैसे कि एक तो AMU डायरेक्ट लिखा जाता है, ठीक, और एक जो होता है मोलर मास होता है या आपका मतलब कि ग्राम में जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है।
इसके बाद जो आपको इजीली समझ में, जैसे हम बात करते हैं कार्बन की, ठीक है, तो कार्बन जैसे कि आप जानते हैं 6 होता है, इसमें जो होता है 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन और आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि हम इसका एटॉमिक मास की बात करते हैं तो आप बताते हैं एटॉमिक मास जो होता है आपका प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है आपकी, तो ये आपका 12 होता है और ये आपका 12 amu होता है, ये आप लिखते हैं, ठीक है। जब आप कन्वर्जन करते हैं तो ये जो आता है आपका, जैसे कि ये तो आपका 12 मतलब amu हो गया, यदि हम पूछे कि ग्राम में कितना होगा, ठीक है, तो देखिए ग्राम में डायरेक्ट देखिए ये क्या है कि प्रूफ है जो कि कार्बन से ही रिलेटेड आता है, ये भी जो प्रूफ आया हुआ है ये भी यहीं से आता है, और ये भी जो हम आपको बताने वाले हैं ये भी प्रूफ जो आता है आपका कार्बन के एटम को ही एक रिफरेंस एटम मानते हुए हम एक स्टैंडर्ड किसी भी एटम का जो है एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास जो हम लोग निर्धारित करते हैं। तो जैसे कि यदि हम पूछे कि आपका मास कितना होगा, तो आपका एएमयू में बताइएगा तो ये आपका 12 एएमयू या इसी को लिखते हैं 12 यू भी लिखते हैं कहीं कहीं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं ग्राम में, तो देखिए ग्राम में आप ये याद रखिए कि ये जो ग्राम में होता है एक एएमयू की वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है और आपका जो मोलर जो होता है वैल्यू रखी जाती है, तो वो जो रिजल्टेंट आता है तो आप बस ये याद रखिए कि ये जो ग्राम में चेंज होता है तो वो भी आपका 12 ग्राम हो जाता है, यानी कि एएमयू को डायरेक्ट आप ग्राम में चेंज कर दीजिए तो ये आपका जो आएगा वो आपका मोलर मतलब कि ग्राम जी ए एम इसको यानी कि ग्राम एटॉमिक मास होगा, ठीक है, या इसको जो हम लोग बोलते हैं वो मोलर मास भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर मास भी बोलते हैं। तो देखिए ये सारी चीज हम आपको मतलब एक शॉर्टकट में बता रहे हैं क्योंकि इसका जो है पूरा आपको एक मतलब कि वीडियो बनाना पड़ जाएगा, तो आपको जो समझने वाली चीज है बस आपको ये समझने वाली चीज है कि जहां पे भी यदि आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास निकालना होगा तो आप डायरेक्ट जैसे कि आप तो निकालते हैं तो ये वाला निकालते हैं, ठीक, लेकिन जो आपके फार्मूले में यूज होने वाला है वो ये ग्राम ग्राम एटॉमिक मास वाला यूज होने वाला है, तो आप क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट जो निकालिएगा जो एमयू में आएगी उसमें बस ग्राम ऐड कर दीजिए, ग्राम लगा दीजिएगा तो वो आपका मोलर मास हो जाएगा या ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, बस इतना ही समझना है। अब एक दो एग्जांपल के थ्रू हम आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी हम आपका जो है क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो तो हम लोग आगे करेंगे, यहाँ पे हम आपको पहले बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो बनाना चाहते हैं ताकि आप आगे के क्वेश्चन में जो है मतलब कि कंफर्ट फील कर पाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हम बात करते हैं कि कुछ जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, जैसे ले लेते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो है आपको जब एटॉमिक मास निकालते हैं तो कितना आता है, एटॉमिक मास यहां पे लिख लेते हैं एटॉमिक मास, और ये जो होता है आपका मोलर मास, तो आप एटॉमिक मास वहां पे इजीली निकालते हैं तो आप कहते हैं जैसे इसका 7 होता है तो आपका 7 आपका प्रोटॉन होते हैं, 7 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये आपका आपका 14 यू होता है या एमयू होता है, इसको जब आप मोलर ग्राम में चेंज करना होगा तो बस यू को हटाकर आप ग्राम लगा दीजिए, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं कि जैसे कि आपका नाइट्रोजन का तो ये N2 है, तो इसका तो है जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, वो 14 यू होता है या एमयू होता है, तो यहाँ पे दो एटम ऑफ नाइट्रोजन है तो ये कितना हो जाएगा 28 यू हो जाएगा, और जब इसको ग्राम में आप चेंज कीजिएगा तो वो 20 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद देखिए सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर का जो होता है वो कितना होता है आपका 32 होता है, और इसको जब ग्राम में चेंज कीजिएगा तो कितना होगा 30 ग्राम होगा। तो आई थिंक आपको जो है जो हम समझाना चाह रहे हैं आप इस पे फोकस कीजिएगा क्योंकि आपका जो है क्वेश्चन जो बनेगा जो यूज किया जाएगा ये वाला यूज किया जाएगा, यानी कि आपको एटॉमिक मास निकालना है, जो एटॉमिक मास आता है बस आप उसको ग्राम में चेंज कर दीजिए तो वो आपका मोलर मास हो जाएगा, या फिर आप उसको मतलब कि ग्राम जीएम में कह सकते हैं, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, तो ये दोनों एक ही चीज होता है, बस निकालने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए आप इतना चीज समझ गए हैं तो आप क्वेश्चन जो है इजिली कर सकेंगे। मैं आपको एक और भी ओवरव्यू देना चाहता हूं आपको, देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है जो कंसेप्ट पूछे जाते हैं, एक तो आपको बोला जाएगा कि नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फर्स्ट,
इसके बाद सेकेंड जो होता है कि नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए, सेकेंड जो पूछा जाता है आपका कि मास निकालने के लिए, और चौथा जो पूछा जाता है वो आपका मोलर वॉल्यूम निकालने के लिए पूछा जाता है। तो ये देखिए टोटल जो है आपके चार टाइप के इससे क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग एक एक करके देखेंगे और आपको हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो भी आपको दिखाएंगे और उसको सॉल्व कराएंगे हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे, हो सकता है कि आगे जो टॉपिक से इस टॉपिक से पूछा जा रहा है थोड़ा बहुत वेरिएशन करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो जो वेरिएशन हो सकते हैं वो वाले क्वेश्चन भी हम आपको यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चालू करते हैं हम लोग, जो आपका क्वेश्चन ये आया हुआ है एग्जाम में उसी से चालू करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। और यहाँ पे मैं आपको जो है क्वेश्चन भी बता मतलब वो भी बताता जाऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, या यहीं पे पहले आप एक जो बेसिक फार्मूला होता है मैं आपको बता देता हूं, बस आपको एक ही फार्मूला यूज करना है, ठीक ना, ज्यादा फार्मूला यूज नहीं करना है, इसके बाद सारा चीज आपका हो जाएगा। कई लोग तीन चार फार्मूला यूज करवाते हैं लेकिन हम आपको एक ही फार्मूला बस याद करने के लिए बोलेंगे कि आप याद रखिएगा कि जो नंबर ऑफ मोल होता है वो होता है आपका गिवेन मास और अपॉन में जो होगा यहां पे वो क्या होगा आपका कि आपका जो है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बस आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। तो देखिए बस आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल जो होता है वो आपका गिवेन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास होगा, और ये जो होता है मॉलिक्यूलर मास को जो है आप जो रिप्रेजेंट करते हैं, आप ये याद रखिएगा कि जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो आपका यूज किया जाएगा आपका GAM में, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास में, या आपका इसको मोलर मास भी बोलते हैं, ठीक है, मोलर मास भी बोलते हैं। तो ये आपका जो मॉलिक्यूलर मास होगा किसमें होगा, आपको मोलर मास या आपका GAM में, इसीलिए हम आपको दोनों का जो किस तरह से कन्वर्जन होता है वो आपको बता दिए हैं, तो आप बहुत इजीली यहाँ पे कर पाइएगा। तो देखिए हम लोग चालू करते हैं, जैसा कि हम आपको बताया है कि हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और इसको जो है आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है द एटम, ये आपका रेलवे का ही क्वेश्चन है, द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27, ये आपका एटॉमिक मास दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 81 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम इज, तो वो आपका मोलो का, यानी कि आप समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम दिया गया है और उसमें पूछा जा रहा है कि मोलो की संख्या कितनी होगी एल्यूमिनियम की। तो देखिए मोल की संख्या जो होती है, यानी कि नंबर ऑफ मोल जो होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो आपका गिवेन मास अपॉन में आप डायरेक्ट लिखिए मोलर मास। तो यदि आप इसका गिवेन मास देखिएगा तो वो कितना दिया गया है आपका 81 में निकालना है, और मोलर मास देखिए, मोलर मास जैसा कि हम बताए थे यदि आप एल्युमिनियम की बात कीजिएगा तो इसका जो मास होता है वो कितना होता है, वो 27 AME होता है, जैसा कि आप जानते हैं ये वाला तो मास निकालना। अब मोलर मास निकालने के लिए आपको क्या करना है कि बस 27 इसको AMU कर देना है, ठीक है, और आपको इसको कुछ नहीं करना है, तो ये आपको ग्राम में कर देना है, ठीक है, ये जो है आपको इसको क्या कर देना है, आपको ग्राम में कर देना है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। अब यहाँ पे आप रख दीजिए, यहाँ पे 27 रख दीजिए, अब देखिए इसको आप कटाइएगा तो कितने बार में जाएगा ये आपका, तो ये 3 बार में जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है एल्युमिनियम का 81 ग्राम में वो कितना है आपका, 3 मोल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे पूछा गया था ये कि 81 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम है, ठीक है, 81 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम है, उसमें मोलों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो आपको 81 ग्राम
ऑफ एल्यूमिनियम में जो मोलों की संख्या आई वो कितनी आई, 3 आई, यानी कि 81 ग्राम में 3 मोल जो है आपका एल्यूमिनियम है, यदि मोल में रिप्रेजेंट किया जाए तो आपको ये मतलब कि क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा और कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, इससे भी आपको धीरे धीरे जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है पूरा आपका क्वेश्चन से ही आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तो इसमें कुछ ऐसा जो है नहीं है। देखिए यहाँ पे है आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन। तो देखिए फर्स्ट वाला जो कहा गया है, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल यानी कि आपका ये एक नंबर है, ठीक है, जो कि आपको फाइंड आउट करना है, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। तो इसमें देखिए पूछा गया है कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम में, तो देखिए यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला आपका यूज करना है कि नंबर ऑफ मोल जो होगा वो क्या होगा, वो आपको मैं यहाँ पे अब बता रहा हूँ कि मोल जो होगा आपका गिवन मास। तो गिवन मास देखिए यहाँ पे कितना है, पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये आपका 28 ग्राम, ठीक है, ये तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 28 ग्राम आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन ऑफ एटम मतलब नाइट्रोजन के एटम है 28 ग्राम, उसमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोलों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोलों की संख्या कितनी होगी। देखिए नंबर ऑफ मोलों की संख्या सेम जिस तरह से हम लोग निकालते हैं उसी तरह से निकालेंगे, तो ये आपका मोलों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, गिवन मास। देखिए गिवन मास कितना है, 28 ग्राम में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोलों की संख्या कितनी होगी, ये आपका ग्राम में दिया हुआ है, नीचे वाला भी ग्राम होगा तो भी ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट होके आपको जो है एक नंबर मिलेगा, तो 28 ग्राम है। अब देखिए नाइट्रोजन की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो नाइट्रोजन की जो आपका एटॉमिक मास होता है तो वो कितना होता है, वो आपका 14 होता है, और इसको जो है आप जब चेंज कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 14 ग्राम हो जाएगा। बस यहाँ पे आप रख दीजिए 28 ग्राम अपॉन में ये 14 ग्राम हो जाएगा, और ये जब कटेगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 2, ये आपका मोल हो जाएगा। तो आपका मोलों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए ये 1, 2, 3 इस तरह सीरियल वाइज दिया गया है, आप पॉइंट नंबर समझिएगा, इसको पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम, 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम, ये आपका सल्फर एटम है, ठीक है, 32 ग्राम क्या है आपका, 32 ग्राम जो है सल्फर का एटम है, और उसमें पूछा जा रहा है कि आपका नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, ठीक है। तो आप क्लियर हुआ होगा, आप धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको कहते हैं मोलों की संख्या आपका क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो जो आपका गिवन मास है, गिवन मास कितना है यहाँ पे, 32 ग्राम है, तो आप गिवन मास 32 ग्राम लिख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ए सल्फर है, इसका एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 32 MeU होता है। इसको जब आप ग्राम मोल में चेंज कीजिए, ग्रामर मोल जो आपका जो होता है मोलर ग्राम में जो चेंज कीजिएगा, तो वो कितना हो जाएगा, मोलर ग्राम में ये 32 ग्राम हो जाएगा। बस एमयू को हटाकर आपको ग्राम रख देना है, तो यहाँ पे आप रखिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा, और जब ये 32 रखिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे जो है कि आपसे ये पूछा गया है कि 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये आपका जो है 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ये जो है आपका क्या है, 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक ना, हाइड्रोजन एटम है, और इस 40 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम में आपसे पूछा जा रहा है कि मोलों की संख्या कितनी होगी। तो मोलों की संख्या बस वही कंसेप्ट है भाई, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो देखिए यहाँ पे गिवेन जो आपका मास है वो कितना है, वो आपका 14 ग्राम है, और आपका जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, तो देखिए आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो होता है आपका एटॉमिक मास कितना होता है उसका, तो वो आपका 1 होता है। तो आप जब यहाँ पे इसको चेंज कीजिएगा तो 1 ग्राम में आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो होगा आपका 1 ग्राम हो जाएगा एटॉमिक मास, तो यहाँ पे आप 1 ग्राम लिख दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 14 मोल हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आपका नंबर ऑफ मोल जो पूछा जाता है कि कितने ग्राम ऑफ, मतलब जैसे कि जैसे पूछा गया था कि 32 ग्राम ऑफ
आपका सल्फर एटम में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे या 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इस तरह कुछ भी पूछ सकता है। और भी हम सारे आपको क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ये तो इसलिए हम करवा दिए ताकि आप 3-4 क्वेश्चन एक ही मतलब सेम टाइप का कर लीजिएगा तो आपके दिमाग में जो है कंसेप्ट बैठ जाएगा। और अब देखिए ये तो बहुत सिंपल था, ठीक ना, ये सबसे सिंपल फॉर्म होता है जो कि ये क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट आप फार्मूला बेस्ड रहता है। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा मतलब कि आपको हल्का सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं होता है, फार्मूला बस एक ही यूज होता है, बस थोड़ा सा आपको जो है अलग से सोचना पड़ता है और उसमें कुछ खास नहीं होता है। तो वो वाला जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो अगला होगा हम लोग मास निकालना सीखेंगे और इसके बाद जो है हम लोग वॉल्यूम निकालना सीखेंगे और नंबर ऑफ एटम के बारे में, नंबर ऑफ एटम जो है फाइंड आउट कैसे करते हैं वो हम आपको तीनों कंसेप्ट बताएंगे। एक कंसेप्ट जो होगा वो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का जो है वो यहाँ पे हो गया आपका कंप्लीट, और क्वेश्चन तो हम करवाएंगे ही तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की जो क्लास है बस यहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि वाइंड अप करते हैं और कल जो है इसी टाइम पे आपकी क्लासेस चलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, अधिक जो लोग नए हैं उनसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है आपका टेक्निकल और नॉन टेक दोनों की तैयारी हो रही है जेई की, तो आप जो है इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अभी तक नहीं किए हो तो। और राइट हैंड साइड में आपको जो है बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा तो उसको आप क्लिक करके हमेशा जो है मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।